मूवी तो तुमने डर देखा ही नहीं है। सिर्फ पागल को नहीं हो गए? हाँ हो गया हूँ, और इससे ज्यादा भी हो सकता हूँ। Tell him to apologize to me, वरना ये गाड़ी तभी रुकेंगे जब टक्कर होगी। Call him and tell him to apologize. मैंने तुम्हें जाने को कहा है। Excuse me. गलती तुम करो और पछताओ मैं। I'm not a small fry. माना, अली से कन्विंस्ड नहीं है। और होना भी नहीं चाहिए। आखिर मुझ जैसे सफाक आदमी पर कौन भरोसा करेगा? सही कह रही हो तुम, पार्टी कर रहा था मैं। I know how you feel. Asfar bhai ka phone aane ke baad maine bhi call ki thi wo. It was horrible. Literally horrible. Sheher theek kehta hai. I think Sheher theek kehta hai. Ye kya keh rahi ho tum? Sheher theek kehta hai. I think I'm confused. I think main identity crisis ka shikar hoon. मुझे बिहेव करना नहीं आता, मुझे नहीं पता मैं क्या करती हूँ। अगर मैं थोड़ा कंपोज रहती तो ऐसा ना होता। असफर भाई उसको इतना गैर जिम्मेदार ना समझते। I should not have done this. I should have protected his honor. I should have not dishonored him. It's सिर्फ मेरी गलती है। मुझे सिर्फ अपनी खुशी अपनी मर्जी की परवाह होती है। जब का मैदान बनाने में और घर बसाने में फर्क होता है। देखो उन्होंने ओवर रिएक्ट किया है, अभी भी छुप के बातें सुनी है हमारी। नहीं मियाँ बीवी में कोई प्राइवेसी नहीं होती। और तुम क्या जानती हो शादीशुदा जिंदगी के बारे में? तुम कुछ नहीं जानती। शादीशुदा जिंदगी का मतलब होता है वजूद की नफी करना। सिर्फ औरत की वजूद की नफी करना? नहीं, जो गलत है उसके वजूद की नफी। और मैं कन्फ्रंट करती हूँ, सबमिट थोड़ी करती हूँ। एट दिस टाइम आई एम रॉन्ग, गलती मेरी है और मुझे इसका मदावा करना चाहिए। कैसे करोगी मदावा? उसकी बूट पॉलिश करोगी अब? शायद अगर वो मेरे माँ के कदमों में बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और रमजू मुझे मोहब्बत करनी है, मुकाबला नहीं करना, और मोहब्बत के यही उसूल होते हैं। प्लीज आज रोन कन्फ्यूज मी फर्दर। अलीजे ये जरा सुनो, शेरी का क्या मैसेज आया? तुम्हें बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कॉल करती हूँ, बल्कि मैं चली जाती। नहीं नहीं, तुम पहले उससे बात तो करो। वो नहीं उठा रहा। क्या हो गया है? ऐसे भी क्या परेशानी है? परेशानी? ये जरा सुनो मैसेज। नहीं प्लीज आंटी, आप या अली से आने की तकलीफ ना कीजिएगा। मैं शहर से जा रहा हूँ, मैं नहीं मिलूंगा आपको। खुदा हाफिज़। हेलो, हाँ शहर से बाहर जा रहे हैं, मैं आपके फोन से फोन कर। हेलो शेरी। शेरी मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? देखो शेरी, देखो आई एम सो सॉरी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आई नो इट वाज माय फॉल्ट, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। तुम रहो जाओ, तुम हो ओके? नहीं लेकिन वो मेरा घर है ना, तो मुझे अपने घर आना है। देखो अभी मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, मेरी लाहौर की फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो? कैसे जा सकते हो? हाउ कैन यू लीव द सिटी? तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, मुझे देर हो रही, बाय। चलो चला भी गया। हिम्मत समेटे किस्मत पहेली में। ये वो जा रहा है, उसने कैंसिल किया था, उसने कॉन्फ्रेंस कैंसिल की थी हनीमून की वजह से, और अब वो जा रहा है। इस प्लानिंग डाउट टेलिंग मी आई हैव टू गो। कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम घर जाओ। गलत नहीं आप मामा, अगर ये आज दब गई ना फिर पूरी जिंदगी दबती रहेगी।
और फिर किसी की भी गलती होगी ना, इसी को झुकना पड़ेगा। अलीजे कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की, वैसे भी शेरी भाई वहाँ नहीं है, तुम यहीं पे रहती रहो मेरे और माँ बाबा के साथ। मेरा घर तो है ना वहाँ, मुझे जाना होगा माँ, I have to go before he leaves after his house, before you need. But why are you crying, Elise? You cannot leave like this. You cannot drive at this moment, Elise. मेरी बात तो सुनो तुम। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? Do you want her to die? जिस घर में इतनी टेंशन होती है ना, वो घर घर नहीं जहन्नम होता है। I hate you, Mama. I swear I hate you. क्यों बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ? मैं उसका घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आपका फर्ज है कि आप अलीजे को बचाएं, उसका घर नहीं। आपकी जिम्मेदारी आज भी अलीजे है, उसका घर या कोठी नहीं है। और वैसे भी उसका घर मैं हूँ, आप है उसका घर, ये है उसका घर। मगर आपको मेरी बातें क्यों समझ में आएंगी? आपकी जनरेशन ने ना बेटियों को आग में फेंकना सीखा है, उन्हें बचाना नहीं सीखा। She will die, Mama. She will die. क्या हो रहा है यहाँ पे? अलीजे का भेज दिया इन्होंने उसे मरने के लिए। What? ये देखें कैसे बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। रमजा, क्यों भेजा तुमने उसे? मेरा इंतजार तो कर रही थी। आप जरा मैसेज सुने, मेरी जगह आप होते ना, आप भी ऐसा ही करते। नहीं प्लीज आंटी, आप या अलीजे आने की तकलीफ ना कीजिएगा। मैं शहर से जा रहा हूँ, मैं नहीं मिलूंगा आपको। खुदा हाफिज़। उसे भेजना नहीं चाहिए था। लड़की की जगह उसका अपना घर होता है। आप देखिएगा, अलीजे रोक लेगी शहरी को। नताशा, ओ तुम कब आई? शेरी तो बोल रहा था तुम नहीं आओगी। लेकिन मैं अब आ गई हूँ, क्या चाहिए? नहीं मैं ढूंढ लूंगी। ये मेरा कमरा है। क्या कहा? ये मेरा कमरा है। ये शेरी का कमरा है और शेरी की हर चीज पे मेरा हक है। मैं उसकी हर चीज़ को उसकी इजाज़त के बगैर देख सकती हूँ। पहले भी मैं ही सब कुछ हैंडल करती थी। अब ये सिर्फ उसका कमरा नहीं है, मेरा भी है। मुझे बताओ, मैं ढूंढ देती हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। चाहिए क्या? फाइल। लीव दैट टू मी। ये हमारे घर के डॉक्यूमेंट्स हैं। अलीजे, मैंने इस घर को जोड़ा है, ये पहले मेरा घर है और बाद में किसी और का। और अगर शेरी तुम पे डिपेंड करता होता तो तुम्हें बताता ना कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। Does that make sense? वैसे तुम्हारी कोई लड़ाई चल रही है शेरी के साथ? नहीं। तुम बहुत जल्दी आ गई हो और वो तुम्हें मिले बगैर चला गया। यू नो दीज फ्रीक्वेंट फाइट्स आर नॉट गुड। शेरी ने आपसे कुछ कहा? हाँ, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं उसको समझती हूँ। We share the same soul. It's just being too difficult. He is actually not difficult. He is different. He is actually different to a level that he is unique. But वो तुम्हें समझ नहीं आएगी। फिर मैं क्या करूँ? जब पूरी बात शेयर करने के लिए तैयार होगी ना, तब मशवरा मांगना। Oh, that's Sherry. हाँ Sherry, I got the documents. नहीं, अलीजे ने दिए। No, no, she's here. तुम्हें नहीं पता था? Okay, do you want to talk to? Okay. चलो, I'm going to send you the documents. मैं courier करती हूँ तुम्हें, ठीक है? भेज रही हूँ मैं तुम्हें. Okay. Excellent speech by शेरी, मजा आ गया। मजा आ गया। और पॉइंट्स भी सही बोले हैं उसने। अरे सुनो, तुमने देखी शेरी की स्पीच? क्या देखा? तुमने शेरी की स्पीच देखी? कौन सी स्पीच? उसने लिंक नहीं भेजा तुम्हें?
नहीं, उसने लिख नहीं भेजा, मुझसे मिस हो गया होगा। हाँ हेलो, हाँ सो प्राउड ऑफ यू। हाँ नहीं, वेरी वेरी नाइसली डन, पर टैक्सेशन वाली बात कर देते तो बेहतर रहता। मुझे दो। एनीवे मैंने बात, ओके आई सी यू व्हेन यू बैक। बाबा बात करना चाहते हैं, ये लो बात करो। हाँ शेरी, वेरी गुड वाइफ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बोले। मेरे दोस्त से जरूर मिलना। हाँ और यार तुमने मेरा बता लीजिए को लिंक नहीं भेजा। ये लो भाई, अलीजे से बात करो। हेलो, कब वापस आ रहे हो? मेरे हाल कट गए। क्या हुआ? अलीजे, आप मेरा फोन नहीं उठा रही हो? वो आई एम सॉरी, अपना वार्डरोब सॉर्ट कर रही थी, चेरी नहीं था ना, तो आई थॉट क्लीन अप कर लूँ। अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ, बाबा का ध्यान रखना। और हाँ, शेरी आज रात को आ रहा है, मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ, तुम्हें तो पता नहीं होगा। ये रजा की अम्मी का जोड़ा नहीं है जो उन्होंने मुझे दिया था? ये यहाँ क्या कर रहा है? नहीं ये वो नहीं है, ये उन्होंने मेरे लिए लिया था, मैंने उनको बहुत मना किया था, बट शी डिडंट लिसन टू मी। क्या मतलब? उन्होंने अपनी होने वाली बहू के जैसा जोड़ा उसकी भाभी के लिए भी लिए? कि कैसी औरत है भाई? नहीं वो बहुत अच्छी औरत है, असल में मेरी ही गलती है, उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें ना दिखाऊं, मैंने यही छोड़ दिया, मुझे रख देना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। उन्होंने मना किया था? ये क्या मैसेज दे रही है नताशा? प्लीज उन्हें कुछ ना कहना, वो बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं वापस कर दूँ। आई विल रिटर्न माई ड्रेस। नहीं नताशा, तुम प्लीज वापस नहीं करोगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं पहनूंगी, ऐसी बातों से रिश्ते खराब हो जाते हैं। नाउ यू गोना टेल मी कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे कैसे रिश्ते निभाने चाहिए? तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम्हारा शौहर कहाँ जाता है और कब जाता है। लीव माई लाइफ टू मी माई डियर भाभी, स्टॉप इंटरप्टिंग इन माई लाइफ, डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें क्या जरूरत है आने की? तो क्या नहीं आना चाहिए था? नहीं। गिफ्ट लाइयो मेरे लिए। हाँ हाँ यही समझ लो। क्या है इसमें? यार आई एम डाइंग ऑफ क्यूरियोसिटी, बताओ ना, जिंदगी में पहली दफा तो तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हो। तो खुश होने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली तुम्हारे लिए नहीं है, आंटी के लिए। दैट्स इवन बेटर। यू नो व्हाट, गिव इट टू हर और उन्हें बताना कि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनती। क्या क्या मतलब है इस बात का? सिंपल है, तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, उनकी होने वाली बहू मैं हूँ रजा। वो मुझसे ज्यादा अलीजे को इम्पोर्टेंस देती हैं, यहाँ के उसके लिए वही ड्रेस लेकर आई जो वो मेरे लिए लेकर आई हैं। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? तुम क्या बात कर रही हो नताशा, तुम मम्मा को अच्छी तरह से जानती हो, वो अच्छे दिल की हैं, नरम दिल की हैं, दैट्स व्हाई शी डज दैट। बहुत अच्छी तरह मैं आंटी को जानती हूँ, तभी वो बात बात पर अलीजे की मेरे सामने तारीफ करती रहती हैं। You know what? अलीजे उनके परफेक्ट बहू के इमेज में फिट आती है, not me. Are you for real? Are you serious here? You know what? Serious में तब होती जब मेरे पास solution ना होता। I have a perfect solution, my love. You return this to your mother and say thank you.
It's quite nice. Book name was. Ah, really? That's hilarious. Then? Ah. अच्छा। हाँ ठीक है, ऐसा करते ना, कल प्लान करते। क्यों कर रहे हो ऐसा शेरी? बात तो करो मुझसे। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्या हो गया शेरी? मैं तुम्हारी वजह से वापस आई हूँ। हाँ, और मैंने तुम्हारी मामा और तुम्हें क्लियरली कह दिया था कि तुम रह सकती हो अगर रहना चाहती। ये मेरा भी घर है। अच्छा, अगर ये वाकई तुम्हारा घर होता ना तो तुम वहां मेरी इज्जत रखती। शेरी, माँ ने मुझे बताया तुम उस रात हॉस्पिटल में थे। मैं क्या करूँ, मेरे लिए भी ये सब नया नया है ना। I know मेरी गलती है, I am a bit insensitive at times, लेकिन I'm sorry ना, मुझे नहीं समझ आ रही थी। प्लीज अब ठीक हो जाओ ना। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया, मेरी वजह से तुमने सारा प्लान कॉल ऑफ कर दिया। पता नहीं हमें कब छुट्टी मिलेगी, कब हम कहीं जाएंगे। तो हम कभी भी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे इकट्ठे, तो कभी भी नहीं, never। शरी, माँ भी मुझसे नाराज है। I don't care यार, just leave me alone, okay? मैंने बात नहीं करनी तुमसे। इतनी सख्त सजा तो मत दो ना। सजा हो और सख्त ना हो तो मजा नहीं आता। अच्छा ना शेरी, प्लीज जाने दो। क्या चाहती हूँ, बाहर चला जाऊं मैं? आ गए रजा। अच्छा, सीधी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। कैसा रहा डिनर? ठीक है। ये क्या गिफ्ट है नताशन? अम्मा, आप ना दुनिया की सबसे हसीन लड़की हैं। क्या चाहिए मेरे बेटे को? कुछ नहीं, बस यही कि हम सब साथ रहें, हमेशा खुश रहें। तो हम तो खुश हैं, तुम, मैं, सोहा और अब बहुत जल्द नताशा भी साथ होगी हमारे। क्या बात है, क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं मामा, कुछ भी तो नहीं। मामा, आज के बाद आप नताशा के लिए कोई शॉपिंग नहीं करेंगे। क्यों, पसंद नहीं है उसे? इसे वो इस काबिल नहीं है कि तुम उनके लिए आंसू बहाओ। योर टीयर्स आर जस्ट वाटर फॉर हिम, ही इज नॉट वर्थ योर टीयर्स। छोड़ दो,
जब ये शुरू शुरू में आती है तो टेम होने में कितना टाइम लेती है। हाँ लेकिन एक दफ़ा माहौल में एडजस्ट हो जाएं, उसके बाद अगर उनको आज़ाद कर देना तो मान जाएंगे। कितनी मासूम होती है ना ये। शरी कैन वी प्लीज स्टार्ट ओवर अगेन, प्लीज सब कुछ भूल जाओ, हम पुरानी बातें भूल के एक नया स्टार्ट लेते हैं, कोशिश करेंगे पुरानी गलतियां दोबारा ना चढ़ाए। ये तुम कह रही हो, क्या तुम खुद ऐसा कर पाओगी? सुनो शरी प्लीज, मेरे दम घुट रहे, बस कर दो, मुझसे मजीद इंतकाम मत लो। मैं तुमसे क्यों इंतकाम लूंगा, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें यह एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मेरी डिग्निटी में तुम्हारी डिग्निटी है, दैट्स इट। लेकिन नहीं, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। भाई वो हमने अपनी जमीन देख ले जाने काफी अरसे से चौकीदार फोन कर रहा। डैड वो इस्लामाबाद से कुछ दोस्त आए हैं, रात को डिनर पे बुलाया। तो अलीजे घर पे आए, इंतजाम कर देगी ना? नहीं इट्स ओके, मैं उनको ऑफिस से होटल पे ही ले जाऊंगा। नहीं मैं आई विल अरेंज एवरीथिंग। खुदा हाफिज, चलता हूं। देखो अलीजे, इसको टाइम लगता है ठीक होने में, तुम खुश रहा करो। देखो ऐसा करते हूँ कि तुम्हारी अम्मी अब्बा और एहसन को बुला लेते, तुम एक फॉर्मल से डिनर कर लो, हम अपने पोर्शन में बैठ जाएंगे। नहीं मैं शेरी से पूछ लेता हूँ। भाई मेरा मतलब है घर वालों को बुलाने के लिए शेरी से पूछने की क्या जरूरत है? द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, है पुरानी बात लेकिन सही है। ठीक है फिर मैं सब कॉल करके पूछ लेती हूँ कितने लोग आ रहे हैं। हेलो शेरी, वो कितने दोस्त होंगे तुम्हारे? कौन दोस्त? इस्लामाबाद वाले। छह हैं। ठीक है फिर मैं डिनर पे वेट करूं। बस भाई साहब आपने हमें जैसे ही बुलाया हम फौरन आ गए, ऐसे लग रहा था जैसे वेट ही कर रहे हैं। अरे भाभी आप तो हमें बुलाते ही नहीं हैं, बस आपको अपने दामाद की फिक्र है, बस उसी की फिक्र करती रहती है। ये तो है, मेरा दामाद है ही हीरा। आपके हीरे को तराश खराश की जरूरत है, सर पर चढ़ा लिया आपने। शेरी आया नहीं अभी तक, आने वाला होगा। चले एहसन साहब भी आते हैं तो जरा शतरंज पे बैठते। अरे वो ना भी आए तो वो दो समधी बैठ जाएंगे ना। ठीक है, सही बात है, आप तो शतरंज के माहिर हैं। वाओ इतनी प्यारी सजी हुई टेबल मैंने पहले नहीं देखी कभी। अच्छी लगती है ना? शेरी को बहुत अच्छी लगेगी। तुम अभी तक शेरी भाई को खुश करने में लगी भी हो? नहीं मैं भी खुश हूँ। अच्छा खुश हो तुम, तुम्हारी आंखों से तो नहीं लग रहा, कितने डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। नथिंग लाइक दैट, इज अ गुड मैन। आइए लीजिए शेरी को फोन करो कि सब लोग आ गए हैं, उसको आना चाहिए अभी। पापा आप करें ना फोन प्लीज, देखिए कहाँ हैं। हेलो भाई शेरी कहाँ हो? सब लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, डिनर तैयार है और तुम गायब हो। हम डिनर कर रहे हैं बाबा, नताशा भी हमारे साथ है। वो डिनर कैंसिल करो, मेरे सामने अलीजे ने तुमको कहा था और बेचारी सुबह से लगी हुई है डिनर तैयार करने में। मैंने तो नहीं कहा था। क्या हुआ पापा?
वो नताशा के साथ कोई डिनर कर रहा है, ऑफिशियल डिनर है। मतलब नहीं आ रहा? नहीं। हाउ कंफ्यूज। लीज़े, वो इस काबिल नहीं है कि तुम उनके लिए आंसू बहाओ। Your tears are just water for him. He's not worth your tears. छोड़ दो उन्हें। से बहुत मजे आया, खाया था, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी गुड। लेकिन हमदानी साहब, मुझे शरी की गैर जिम्मेदारी पर कुछ मायूसी है। देखिए, नई बात है, ऊंच नीच हो जाया करती है, लेकिन उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये शादी अगर अरेंज मैरिज ना भी होती और इसकी पसंद की होती तो भी मैं अपने बच्चे की अजीमत ना बर्दाश्त करता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बस वह शहरी आ जाए तो मैं और अलीजे इसकी खबर ले लें। अलीजे को तो खैर मैं अपने साथ घर लेके जा रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, इसकी वजह से तो हमारे घर में रौनक है जी। लेकिन ये बच्ची तो बुझ गई है ना यहाँ। देखिए, आपसी मसाइल। देखो प्लीज, मैं बात कर लूँ। देखिए, जो आपसी मामले होते हैं ना, ये कुछ भी नहीं होते। जब तक बच्चों के माँ बाप जिंदा हैं, बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं। बाबा का बेटा ऑफिस है। तुम वहीं से ऑफिस ले जाना बेटा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें घर का, शरी का एहसास है, लेकिन शायद शरी की सजा देने की आदत बहुत पुरानी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। डैड सर, तो सारे ही मुझसे अपसेट है। आई एम रियली सॉरी डैड, आपने ठीक तरह से कन्वे नहीं किया मुझे कि ये लोग भी आ रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं ना जाता ऑब्वियसली। बेटा, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रहे। She cooked everything for you and you disappeared. अरे डैड, एक्चुअली उसने मुझे शायद सही तरह मैसेज कन्वे नहीं किया या मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। आई डोंट नो। आई एम रियली 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 सॉरी। आई अपोलोजाइज। और आंटी, मुझे जैसे ही एहसास हुआ मैं फौरन चला आया। हालांकि ऑफिशियल डिनर चल रहा है अभी, नताशा और रजब आई हैं। हमजा, क्या हुआ? Why are you so grumpy? मैं ठीक। बेटा, बेटे तुमने गलत किया। अगर तुम ना आते ना थोड़ी देर तो ये तो अलीजा को साथ लेके जा रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आ गया ना अलीजा को रोकने के लिए, अब कहाँ जाएगी ये? देखिए, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो और आप सब मुझे बहुत अजीज हैं। आई एम सॉरी, लास्ट टाइम, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आई प्रोमिस। सॉरी। चंदानी साहब, हाँ, हम लोग चलते हैं। ओके, आइए। अगर अलीजे ने सारा इंतजाम कर दिया था तो शरी को वहां आने की क्या जरूरत थी? ये उनकी बात है, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? फिक्र होती है नताशा। फैमिली मेरी है और फिक्र तुम्हें हो रही है। मियाँ बीवी हैं, कोई बात होगी होगी। यू नो व्हाट, आई डोंट बॉदर। बॉदर करना चाहिए, तुम्हारा एक ही भाई है और एक ही भाभी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें इन दोनों में से सबसे ज्यादा फिक्र किसकी होती है, मेरे भाई की या मेरी भाभी की? वैसे भी तुम और तुम्हारी अम्मी को कुछ अलीजे से ज्यादा ही लगाव है। अगर यही लगाव तुम्हें होता ना तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये नहीं होता। क्या हो रहा है रसा? तुम्हारा भाई अपनी वाइफ को कहीं नहीं लेकर जाता, ना वो डिनर पर लेकर आया और ना ही कहीं। अब वो इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि वो एक ऑफिशियल डिनर पे था। तो तुम वहाँ क्या कर रही थी? मेरा और उसका प्रोफेशन एक है, वी वर्क टुगेदर। और अलीजे और शेरी एक घर में रहते हैं। नताशा, देयर इज अ थिंग कॉल्ड कोएग्जिस्ट करना। माना कि अलीजे का बैकग्राउंड तुम लोगों जैसा नहीं, लेकिन अगर वो तुम लोगों में आ गई तो उसको फेयरली ट्रीट किया जा सकता है। दैट्स नॉट अ बिग डील। मैं बुरी, मेरा भाई बुरा, तो तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो?
तुम अलीजे जैसी लड़की के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते हो? इन्वेस्टमेंट की बात करो, उसका स्टार्टअप का नया बिजनेस है, इससे पहले कि कोई और इन्वेस्ट करे, आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट विद हिम। पता चला मैं बिजनेस और रिश्तों को मिक्स नहीं करता, रिश्ते रिश्ते होते हैं और बिजनेस बिजनेस। हम तो जैसे बच्चे हैं ना, हमें तो पता ही नहीं है। दिस इज नॉट अ जोक नताशा, अगर तुम्हें मैं नहीं समझाऊंगा तो और कौन समझाएगा? तुम खुद एक क्लासिस्ट हो, शेरी भी ऐसे ही, एंड आई डोंट लाइक इनसेंसिटिव पीपल। तुम्हें आइडिया भी है कि शेरी गरीबों के लिए क्या क्या करता है? अपने घर पर क्या कर रहा है उसका कौन जवाब देगा? उसकी अगर गलती मान नहीं सकती तो एटलीस्ट उसको सपोर्ट तो मत करो। यू नो वॉट, यू आर अननोइंग मी नाउ। कितने प्लान से बैठी हुई हूं तो और किस तरह बैठूं? मामा, एक तो मुझे आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्या जरूरत थी आपको शेरी भाई से ठीक से बात करने की? भाई वो आ गया था, शर्मिंदा था, फिर बेटी मेरी वहां है, मैं किस लिए झगड़ा बढ़ाती? झगड़ा कोई नहीं था, सरासर ज्यादती थी। अलीजे की शक्ल नहीं देखी थी तुमने? और जब मैं वापसी में उसे साथ लेके आने का कह रहा था, मुझे रोक क्यों दिया था तुमने? भी वो नहीं आना चाह रही थी तो मैं किस तरह उसका हाथ पकड़ के लेकर आती? फिर जिस बात पे हम शहरी से नाराज थे वो मामला तो उसने आके रफा दफा कर दिया ना। आप रमजा की बातों में बताएं। उसको सेटल हो लेने दो बेटा, वो एक घर से दूसरे घर में गई है। और इत्तेशाम साहब, आपको याद है जब मेरी सास जिंदा थी आपकी तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, डर के मारे मैं आपको कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि माँ के आगे तो आप किसी की सुनते ही नहीं थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो ही गया ना। इतना प्यार करने लग गई थी मेरे से कि अपनी बेटियों से ज्यादा वो मेरी बात मानती थी। अलीजे को अपने बीज बो लेने दीजिए एहतिशाम साहब, फल फूल भी आएंगे। क्या फल फूल? मुझे वो ठीक नहीं लग रही थी। शेरी को देख के वो ठीक हो गई थी। मामा, आपको फकत वही नजर आता है जो आप देखना चाहती हैं, और आप उम्मीद करती हैं कि हर शख्स हकीकत को वैसे ही झुठलाए जैसे आप झुठलाती आई हैं। शेरी भाई तंज कर रहे थे, मकर कर रहे थे। क्या हुआ था? जब मैं रेस्टोरेंट में था। कुछ नहीं, घर पे खाना था, तुमने आना था ना। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी कमिटमेंट्स हैं, दोस्तों के साथ जा रहा हूं। तो फिर मैंने इतना एहतमाम क्यों किया था? तुमने जो किया सो किया, लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, बस बात खत्म। मैंने कब कहा है कोई बात है? तो फिर डैड का मुझे फोन क्यों आया है? क्यों गुस्सा हो रहे थे मुझसे वो? शरी माफ कर दो मुझे, मुझे कुछ नहीं पता। मत करो ऐसे, मुझे पसंद नहीं है तो मेरे सामने हाथ जोड़ो। फिर बात यहां तक पहुंची कैसे? मैं मेरी मर्जी से चिढ़ रहा हूं। क्यों होगी यार? तुमने खुद कहा। यार देखो, ये नहीं देखते किसी ने क्या कहा, ये देखते हैं कि किसी ने क्या किया। तुम ना अपने तरीके से ही सोचते, फिर खुद ही फैसले कर लियो थी, और हमेशा ही गलत नतीजे पे पहुंचती हो तुम। मुझे लगा तुमने मुझे सजा दी है, एक बहुत सख्त सजा। Hey, listen. वो सब कुछ वक्ती गुस्सा था, खत्म हो गया। यार आई लव यू, प्यार करता हूं तुमसे। और मुझे पता है तुमने बहुत कम अरसे में बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी, and I'm with you। लोग तुम्हें पसंद करते हैं, इज्जत करते हैं तुम्हारी, और तुम्हें खुद पे भी यकीन, और होना भी चाहिए। आज की लड़की इंडिपेंडेंट है जैसे मेरी बहन नताशा, और अगर मुझे वो ऐसी पसंद है तो तुम क्यों नहीं?
अच्छा अच्छा फर्ज करो कि तुम एक बहुत अच्छे सेशन से बाहर निकले, लोग तालियां बजा रहे हैं, तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, अरे सब कुछ के बाद तुम जाके गाड़ी में बैठती हो, फिर बिल्कुल अकेली हो, घर वापस जा रही हो तो कोई घर पे नहीं है तुम्हारा इंतजार करने वाला। देखो माँ बाप कुछ अरसे तक ही साथ होते, उसके बाद इंसान को एक कंपेनियन की जरूरत होती है। जैसे आज मैं जब उस डिनर पे था दोस्तों के साथ, बहुत जबरदस्त जगह थी, शानदार खाना था, लेकिन तुम नहीं थे वहां। एंड दैट्स व्हाट आई मिस्ड। मुझे उस वक्त तुम्हारे और अपने घर के सिवा और कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे तो सजा मिल रही थी ना। वो सजा मैं खुद को दे रहा था। सच अ फूल यार। देखो आइंदा मुझे जब भी गुस्सा आएगा ना, नौबत नहीं आएगी। I'll be more careful. मुझे ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था। I'm so sorry. I'm sorry that she suffered because of me. I'm sorry too. देर हो गई है, कल ऑफिस भी है मुझे। क्यों है ऑफिस? क्या मतलब? हर बात का कोई मतलब नहीं होता। सच पूछो ना तो मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रजा ने नताशा का मिजाज देखकर ही उसे पसंद किया था, शादी भी उसी को करनी। लेकिन मुझे ये वाली बात नहीं समझ में आ रही कि अलीजा ने ऐसा होने क्यों दिया। अलीजा ने आपके और नताशा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा किया। दिस इज हर डूइंग। आपको नताशा से दिल नहीं खराब करना चाहिए। तो उसे बहुत सीधी और अच्छी लड़की समझती थी। उसकी इस बात के बाद रजा नताशा से खिंचता गया है, तो बात तो क्लियर होनी चाहिए ना। मैं खुद जाकर अलीजे से बात करती हूँ। तो आप अभी उनके घर चली जाए ना, ऐसे ही चली जाए। और वैसे भी अगर कोई ऐसी बात है तो उसे क्लेरिफाई कर लेना चाहिए। शादी की तारीख लेनी है और इस रूठा रूठी में यह सब कुछ मुमकिन नहीं है। और आपको मालूम है मैं बार बार सवाबी से नहीं आ सकती। आप कहें तो मैं अंकल से फोन करके पूछूं कौन कौन घर पे है। अगर अलीजे अकेली हो घर पे तो बहुत अच्छा होगा। What a pleasant surprise! बाबा ने मुझे मैसेज करके बताया था इसलिए मैं जल्दी आ गया। आए ना बैठे, प्लीज हैव अ सीट। आज मैं तुमसे मिलने आई, नताशा से नहीं। और ये बात हमदानी साहब जानते हैं, इसलिए जो भी बात होगी हम दोनों के दरमियान। क्या हो गया आंटी आप? आई एम वेरी अपसेट। और मेरा अपसेट होना बनता है। देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन तुमने ये क्या किया बेटा?